हाँ भाई, सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जेसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई मैं आज आया हूँ रोड राड का, तो मैंने सहघाट भी रहा है खेता के शब्द लाग लिया होगा। मैं किसी का रहा हूँ खेता मारे हूँ। एक हमारे मित्र हैं किसान भाई, उनसे हम बात कर लेते हैं। राम राम भाई साहब। नमस्कार जी। ठीक हो भाई साहब, क्या कुछ नाम आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है जी। कहाँ से, कौन से गाँव से? अहबतपुर गाँव से। अच्छा, अहबतपुर से। हाँ जी। ठीक है जी भाई साहब, यूँ बताओ अपनी जो सरकार है बीजेपी जी, किसानों के हित में कितनी है और कितनी नहीं, के कुछ फायदा करे है के कुछ नुकसान करे? किसानों के हित में इस सरकार का जी पहले नंबर पर नाम है जी। अच्छा जी। हाँ जी, सरकार पहले भी आई, कांग्रेस सरकार आई, इतने साल उन्होंने राज किया और इनेलो भी आई। जो इस सरकार ने कदम उठाए ना, वो सबसे हटकर है। अच्छा जी। हाँ, जैसे कि मैंने समिति बना रखी है, श्रीचंद किसान सेवा समिति है भतपुर। अच्छा अच्छा। उसको रजिस्टर करवा रखा है और मैं उसका उप प्रधान हूँ। अच्छा। हाँ जी। और ये तो कोइंसिडेंटली अब मिल गए फिर तो। हाँ जी बिल्कुल मिल गए। तो सरकार ने ये बहुत अच्छी स्कीम चलाई हुई है और हमारा किसानों का समूह है उस पर सरकार ने बहुत अच्छा अनुदान दिया हुआ हमको। अच्छा। जिससे हमें ट्रैक्टर मिले और अन्य साधन, रेपर जो पर एपिसीडर, बहुत साधन दे रखे सरकार ने, बहुत मदद की है। तो ऐसा तो सरकारों ने, दूसरी सरकारों ने कभी भी नहीं किया। दिया तो अनुदान मगर कम दिया, कभी ड्रा कर दिया और कभी किसी को मिला ना मिला। और इस सरकार ने प्रत्येक गांव में देखकर समितियां रजिस्टर करवाई हैं और हमने जैसे अब की बार ये कणक बिजाई के रखी है सर। अच्छा जी। इसमें से भी मैं कंबाइन से कटाई करवाई है और इसको पराली थी वैसी, हमने इसको आग भी नहीं लगाई, वैसी कणक बीज रखी। आप देख सको कितने बढ़िया जर्मिनेशन हो रहा है। और वैसे मतलब हम पराली नुए छोड़ दिया आपने? हम हर साल आग लगाते थे। हाँ जी। हाँ जी। और इस साल हमने आग नहीं लगाई और वैसे ही इसके अंदर हमने चोपर लगाई, फिर एपिसीडर के साथ कणक बीजी है और बिल्कुल बढ़िया जर्मिनेशन आ रहे हैं। आप देश को कितनी अच्छी फसल खड़ी है भाई। देखो बिना आग लगाए पराली में ऊपर तक काम कर दिया है और सुथरा काम हो रहा है भाई। और इसके अंदर जी, हाँ जी, जो खाद डालना था वो भी कम लग गया जी। और अच्छा। अब जो पानी दे रहे हैं ना उसके अंदर इसका बिल्कुल जो पानी का मटेरियल बन रहा है वो खाद ही का काम कर रहा है। तो आई साल हम आग लगाते थे, इतना प्रदूषण होता था, हमने अपने खेतों में नहीं आग लगाई। और जो सरकार ने साधन हमको दिला रखे हैं उसके जरिए हमने दूसरे लोगों की भी मदद की जी। सरकार ने भी अलग से कुछ एकड़ हमको दिया था और उसका पैसा ही सरकार ने हमको देना है, वो मंजूर कर रखा है। देखो सरकार कब देती है। और अच्छा। हमने सरकार की उससे किसानों के काफ़ी एकड़ हमने खेतों की बिजाई की है और उनमें भी आग नहीं लगानी पड़ी जी। अगर हमारे पास साधन ना होते तो हम भी आग लगाते, प्रदूषण फैलता और दूसरों भी आग लगाते। तो हमारे गांव में बहुत बढ़िया रहा, काफ़ी किसानों ने मैंने आग नहीं लगाई और हमने भी नहीं लगाई। ये बहुत अच्छी। अच्छा, जो वे 3,000 रुपये हर चौथे महीने देने थे, 2,000 रुपये देने थे। हाँ जी। वो मिले हैं किसानों? हाँ जी बिल्कुल मिले हैं जी। आपको भी मिले हैं? ऐसा जी, मेरे पिताजी के नाम ज़मीन है जी। अच्छा। हम अलग अलग हैं तीनों। अच्छा, भाई। अच्छा, अच्छा। पिताजी के नाम ही ज़मीन है, ज़मीन भी हमारे पास कम ही है। तो अच्छा। सरकार ने पिताजी के खाते में तो आए नहीं, बाकी गांव में काफ़ी किसानों के पैसे आए हैं जी। तो आसार है, अपने भी आऊँगे? बिल्कुल आएंगे जी। अच्छा। हाँ। कितना फ़ायदा हुआ उस बात से भाई, जो 2-3 हज़ार रुपये मिले हैं? बहुत फ़ायदा है जी। अभी तो सरकार कह रही है 2,000 रुपये ये देगी सरकार, सेंट्रल सरकार, और फिर अपने हरियाणा सरकार भी देगी, उससे तो डबल हो गए ना। और फिर जो उनके बच्चे हैं आगे, अलग अलग ज़मीन हो जाएंगी उनकी, उनको भी फायदा होगा जी। तो फिर आगे चल कर ये अभी तो लागू की है सरकार ने। ठीक बात है। मोदी जी भी कह रहे थे अभी, अभी तो ये शुरुआत है, आगे चल कर देखो, अगर सरकार ये आगे भी आएगी तो बहुत अच्छा होगा ना। बहुत अच्छा होगा। हाँ बिल्कुल। बहुत कुछ लोग अभी बीजेपी है ना सर, किसानों के पक्ष में नहीं है, किसानों का नुकसान कर दिया, सुसाइड कर गए। और पार्टियां जैसे कांग्रेस हैं या और पार्टियों, किसानों के बारे में ज़्यादा सोचा, इसमें कितनी भ्रांतियाँ हैं, क्या कुछ सोचा? सरकार का जी पहले नंबर पर नाम, बिल्कुल पहले नंबर पर नाम। और मोदी जी आएंगे, दोबारा भी आएंगे सर। इस सरकार ने सबसे फालतू अनुदान दिया है जी, सबसे फालतू। इतनी समितियां रजिस्टर करवा रखी हैं जी सरकार ने, 80% 100 में से 80% कितना होता है? बहुत होता है जी। ट्रैक्टर लिए, अन्य साधन लिए, इससे कितना फायदा होता है? जो अपने मान लो गेहूँ में किसी का नुकसान होने पीछे मिले हैं कि मैं भाई, फसल बीमा योजना जो थी, फसल बीमा योजना सर हमने तो करवाई नहीं, हम वैसे झूठ बोले। अच्छा। बाकी अनुदान नहीं मिला जी। जिन्होंने करवा रखी थी हमारे गांव में लगभग कम ही कराते जी। कम ही करा, हमने तो देखा नहीं। अच्छा, फिर तो लाना ही नहीं। हाँ जी बिल्कुल, जो चीज़ करवाई नहीं रखी उसका तो कहना ही कि फिर। ठीक जी। हमारे गाँव का मीठा पानी है जी, अच्छी ज़मीन है, बढ़िया पैदावार होती है जी, और भगवान की उससे अगर कोई दिक्कत आए तो अलग बात है, वरना फसलें अच्छी होती है जी, मीठे पानी है। तो 10 में से कितने नंबर दे रहे हो? 10 में से 10 जी, बिल्कुल 10 से भी ऊपर। अच्छा। हाँ जी।
चलो ठीक है भाई साहब, देखो ना अब आग लगानी थी हमने और कितने प्रदूषण से बचा, और मान ले खाद भी हमने कम डालना पड़ा, और आगे भी फिर जमीन की जर्मिनेशन जो बढ़ेगी, अब जुताई करेंगे आगे, उसके अंदर फिर कणक आती है, कणक में हमारे को रेपर भी मिली हुई है, हम सभी को उसको तूड़ा बनाते हैं, उसमें भी आग नहीं लगाएंगे, वरना साल में दो बार आग लगाते थे, अब एक बार भी नहीं लगाते, तो उसमें जमीन की जो उपजाऊ शक्ति वो बढ़ेगी, और उससे फिर फसलों में भी, और जो फिर फर्टिलाइजर मारना है वो भी कम मारना पड़ेगा, तो यानी बहुत बढ़िया ही आगे से क्या ऐसा सोचा नहीं था भाई सरकार, आई बार जैसे आग लगानी पड़ती है ये बात है, बहुत टेंशन होती थी। गोबर खाद का कितना यूज़ होता है? गोबर खाद का जी ऐसा जी कम ही यूज होना पड़ता है। कारण थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं और ठेके पर जाती है, कोई किसी के खेत में कैसे डाल के दे, या तो मालिक डाल के दे, वो खुद नहीं डाल पाते, जो एक दो एकड़ वाले हैं वो अपने एकड़ में डाल लेते हैं और उनसे सब्जियाँ वगैरह उसमें होता है, जो किसी की ठेके पर जमीन लेता है ना वो उसके अंदर डाल नहीं पाता, और जो एक मालिक है उस ज़मीन का वो ये सोचता है मेरी ज़मीन ठेके पर जा रही है मैं क्यों खाद डाल के दूँ उसको, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ वो अपने आप ही, कुछ एक ज़मींदार होगा अगर ये सोचे अच्छी सोच में मेरे खेत को मैं ख़राब नहीं होने दूँ, बाकी अगर गोबर की खाद ना पड़े ना, जो ये काम होता है ना पराल की में आग ना लगे, कणक के अंदर आग ना लगे, मैं इनको वो गोबर से भी यानी बेटर काम करेगी, खाद लगेगा उसका। अच्छा जी बिल्कुल, धन्यवाद भाई जी, धन्यवाद, थैंक यू। तो भाई जी जो इन्होंने बताया, मैंने तो इतनी नॉलेज है नहीं भाई, बाकी सारे कणक सर है पीसीडर के साथ भी जी, आप नज़दीक दिखाओ आओ। अच्छा अच्छा ये सिंपल की कटाई थी, और आगे है उसके अंदर देखो पराली अंदर ही मिलेगी आपको। अच्छा अच्छा, ये हाथी कटाई थी जो आगे वाले खेत हैं सारे, और देखो ना कितना बढ़िया, और ये कह रहे थे पराल में दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत नहीं आई, हमने भी सोचा था, पड़ोसी बोल रहे थे अब कैसे तुमने फसल बो दी, जमेगी ना होगा, वहाँ देखी जाएगी जैसा रिस्क ले ले, हाँ सरकार ने दिया है तो इतने साधन देखे हैं, तो देखते हैं भाई पंजाब में भी करते हैं, तो जो है पी सी ड्रेन ये बहुत बढ़िया चीज़ है, अच्छा जर्मिनेशन आता है इससे, अच्छा बढ़िया, उम्मीद भी अच्छी पैदावार होगी, बगैर वैसे आग लगाने से शायद कम होती, अब अच्छी होगी, अब अच्छी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। जो समितियाँ बना रखी सरकार ने ये बहुत बढ़िया कदम है जी, हमारे को अनुदान दिया है, और आगे भी कह रहे हैं भाई जो साधन नहीं मिले उनको भी इच्छा है, बोल रहे हैं वो भी मिलेंगे, बहुत बढ़िया जी, ठीक है धन्यवाद भाई जी। तो भाई जी इन भाइयों ने के कुछ बताया, के कुछ आपके समझ में आया भाई बताइयो मैंने, और मैंने खेती का ज़्यादा ज्ञान को नहीं, सिर्फ मैं वीडियो इसी को बना दूँ भाई, थोड़ा बहुत मेरे समझ में आ जावे, और जो किसान भाई इस वीडियो ने देखता हो कि मैं घाट बात हो तो आप बता भी देवे कितनी किनाने बात ठीक बताई कितनी झूठी बताई, अब ये तो आपके हाथ में, किसी बात की आपने नॉलेज ना हो तो इनके मार्फत आपने नॉलेज मिल गई हो, और थोड़ी बहुत ही आपके मार्फत और मैंने नॉलेज मिल जाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे दिए भाई, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।